हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े का कलाकंद। जल्दी बनता है और जो है इसका टेस्ट जो है और टेक्सचर जो है किसी शॉप के कलाकंद से कम नहीं है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक कप कॉटेज चीज़। आपने इसको एक पैन में डालना है और टेम्परेचर को मीडियम हाई हीट पे सेट करना है। और फिर साथ में आप डालें इसमें एक कप मिल्क पाउडर और हाफ कप कंडेंस मिल्क। ये स्वीटन कंडेंस मिल्क है, इसमें चीनी ऑलरेडी होती है तो हम इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद आपने इसको हिला के मिक्स करना है। आप देखेंगे थोड़ा सा लिक्विडी टेक्सचर हो जाएगा इसका। और फिर आप इसको कॉन्स्टेंटली आप इसको हिलाते रहें जब तक इसका जो पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर, बिल्कुल हाफ टी स्पून से भी बहुत कम। और अगर आप चाहें तो रोज़ वाटर या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी एसेंस बहुत ही कम मिकदार में डाला करें क्योंकि आपको उस चीज़ का टेस्ट आना चाहिए, एसेंस का नहीं। तो चीनी टेस्ट किया मैंने, इसमें थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ऐड किया। अगर आपको वैसे ही सही लगता है तो वैसे ही रखें, अगर आपको और चीनी चाहिए तो आप और ऐड कर लीजिए। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ें, इसके पास खड़े रहें और इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते रहें जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए। बनाने का टाइम इसका तकरीबन है 5 से 7 मिनट तक। और क्वांटिटी इसकी बहुत कम बनाई है मैंने, आप चाहें तो ज़्यादा बनाएं। ज़्यादा बनाने पे आपको इंग्रेडिएंट्स डबल करने पड़ेंगे और फिर आप इसको किसी भी कंटेनर या मोल्ड में शेप दे दीजिए, ऊपर से नट्स अपने मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगता है वो। अदरवाइज़ वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने देख लिया ये क्विक सा कलाकंद रेडी हो गया। आप इसको हाफ एन आवर के लिए ठंडा होने दें और फिर निकाल के आप काट सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं कितना मज़े का और दानेदार ये कलाकंद बना है। तो चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।